500 करोड़ की ठगी के इल्जाम में पिछले 7 सालों से देश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल यानी तिहाड़ में बंद सुकेश चंद्रशेखर के नए स्कैंडल ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है। पहले ही जेल के कायदे कानूनों का मजाक बना चुके सुकेश ने इस बार जेल से बैठे बैठे ही मैसेजेस के जरिए अपनी गर्लफ्रेंड रह चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को कुछ इतना परेशान कर दिया है कि जैकलीन को नए सिरे से अपनी इस परेशानी की शिकायत कोर्ट से करनी पड़ी। और ऐसा तब है जब जैकलीन पहले ही सुकेश की करतूतों को लेकर अदालत में अपनी अर्जी दाखिल कर चुकी है और अदालत ने जेल प्रशासन से सुकेश की खास तौर पर निगरानी करने की ताकीद की है। जेल में ऐशो आराम की जिंदगी जीने, अपने मेहमानों को मर्सिडीज जैसी कार से जेल के अंदर बुलाने, बिंदास मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने, अंदर मनचाहे तरीके से पार्टीज करने से लेकर जेल के कर्मचारियों को करोड़ों रुपए रिश्वत के तौर पर बांटने के आरोपी रह चुके सुकेश की इन्हीं हरकतों के चलते जेल में उसे न सिर्फ अलग सेल में रखा गया है बल्कि जेल प्रशासन अक्सर उसके सेल की तलाशी भी लेता है। और तो और उसी की शिकायत पर जेल से सैकड़ों कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी की जांच चल रही है और खुद जेल के डीजी रैंक के एक ऑफिसर सुकेश चंद्रशेखर को लेकर लापरवाही बरतने के इल्जाम में अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने इस बार जेल से बैठे बैठे जो कुछ किया है उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। ऐसा लगता है मानो लाखों पहरे सुकेश को नहीं रोक पा रहे। अब इस चैट को ही लीजिए जिसमें व्हाट्सएप पर सुकेश जैकलीन से कोर्ट में अगली डेट पर ब्लैक ड्रेस पहनकर आने की बात कह रहा है और नहीं आने पर उसे धमका भी रहा है। सुकेश लिखता है, बेबी मुझे पता चला कि तुम नए घर में शिफ्ट हो रही हो, बहुत बधाई। कल कोर्ट में तारीख है और मैं तुम्हें देखने के लिए सुपर एक्साइटेड हूँ। प्लीज कल काली वाली ड्रेस पहन कर आना और अपना वीडियो कैमरा भी ऑन रखना ताकि मैं तुम्हें देख सकूँ। मैं भी अपना कैमरा ऑन रखूँगा। मैं कल तुम्हें वेबएक्स पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। लव यू माई बेबी। मगर ये मैसेजेस तो सुकेश की करतूतों की सिर्फ एक वानगी भर है। जैकलीन की माने तो सुकेश ने इसके बाद भी उसे दसियों ऐसे मैसेज भेजे और उसे परेशान किया, लेकिन जब इतने सारे मैसेजेस के बावजूद जैकलीन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो फिर वो जैकलीन को ऑडियो मैसेज भेजकर परेशान करने लगा। इस बार सुकेश ने लिखा कि वो 18 को पेशी के दौरान कोई मल्टी कलर्ड या सफेद रंग का बिना डिजाइन वाला कुर्ता पहन कर आए, जिससे उसे पता चले कि वो उसके मैसेजेस देख रही है। 18 को कोर्ट में पेशी के दिन प्लीज तुम कोई मल्टी कलर का कुर्ता पहन कर आना या फिर सिर्फ बगैर डिजाइन वाले एक सफेद रंग का कुर्ते में आना, जिससे मुझे पता चले कि तुमने मेरा मैसेज देख लिया है। आई लव यू सो मच। लेकिन हद तो तब हो गई जब कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुकेश के कहे मुताबिक जैकलीन ब्लैक कुर्ता पहनकर नहीं आई तो सुकेश उस पर नाराज हो गया और उसे धमकाने लगा। इस बार सुकेश ने लिखा, बेबी तुमने मेरे कहने के बावजूद कोर्ट की तारीख के दिन उस रोज ब्लैक ड्रेस नहीं पहनी। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम मुझसे भागने और मेरी अनदेखी करने की कोशिश क्यों कर रही हो। इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ जिससे तुम्हें कोई परेशानी ना हो। जेल के अंदर से महाठग सुकेश बॉलीवुड एक्ट्रेस को मैसेज भेजने के लिए जिन नंबरों का इस्तेमाल कर रहा था वो देखने में भारत के बाहर के नंबर लगते हैं। सूत्रों के मुताबिक सुकेश ने वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल किया जो इंटरनेट से आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद एक के बाद एक मैसेज वो जैकलीन को भेजता रहा। एक तरफ कोर्ट की सुनवाई चल रही थी जिसमें जैकलीन और सुकेश दोनों शामिल होते थे। उसी दौरान सुकेश जैकलीन को बकायदा मैसेज भेज कर कहता था कि तुम कोर्ट की सुनवाई के दिन ब्लैक कलर की शूट पहन कर आना। जब जैकलीन ने ब्लैक कलर की शूट पहनने से इनकार किया और पेशी में आई, उसके बाद सुकेश काफी ज्यादा नाराज हो गया, दोबारा मैसेज भेजता है कि तुमने मुझे हर्ट किया। मगर इससे भी अजीब बात यह है कि कोर्ट में पेशी के दौरान वेबएक्स चैट बॉक्स पर ही सुकेश जैकलीन फर्नांडीज को ताबड़तोड़ मैसेजेस करने लगा,
कभी उसकी तारीफ करते हुए तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से उसे धमकाते हुए। जैकलीन ने सुकेश की इन करतूतों के खिलाफ पहले ही अदालत में याचिका दाखिल कर रखी है। जैकलीन ने बताया है कि उसने दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को सुकेश की शिकायत की है। यहां तक कि तिहाड़ की शाखा यानी मंडोली जेल के प्रशासन को भी उसने सुकेश की करतूतों की जानकारी दी है, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब कोर्ट ने जैकलीन की इन शिकायतों पर पुलिस और जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन इन दिनों डरी और सहमी हुई हैं। उनके डर की वजह है उनके मोबाइल फोन पर दिल्ली के जेल से आने वाले मैसेज। जी हाँ, दिल्ली की जेल में बैठा 500 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड सुकेश चंद्रशेखर लगातार बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन को मैसेज पर मैसेज भेज रहा है। इसी वजह से जैकलीन परेशान होकर दिल्ली पुलिस के अलावा कोर्ट में भी एप्लीकेशन दे चुकी हैं। उनका कहना है कि बस किसी तरह से सुकेश से मुझे छुटकारा चाहिए। सूत्रों की माने तो जैकलीन को व्हाट्सएप पर ये मैसेजेस एक विदेशी नंबर से भेजे गए। अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसा कैदी जिसकी सख्त निगरानी के लिए पहले ही अदालत ने जेल प्रशासन को सख्त निर्देश दे रखा हो, आखिर वो जेल से बैठे बैठे इतने आराम से किसी को कैसे सैकड़ों मैसेजेस कर सकता है, उसे धमका सकता है। जाहिर है सुकेश की ये करतूत इस बात का सबूत है कि वो अब भी जेल में पूरी आराम तलबी की जिंदगी जी रहा है और उसे किसी बात की कोई कमी नहीं। खासकर सुकेश के पास मोबाइल फोन से लेकर ऐशो आराम की दूसरी सारी चीजें अब भी मौजूद हैं। सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ ठगी और मकोका समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से लेकर ईडी तक उसके खिलाफ जांच कर रही है। उसके खिलाफ कई मामले कोर्ट में लंबित हैं, जबकि सुकेश की दोस्त रही जैकलीन फर्नांडिस अब इन मामलों में सुकेश के खिलाफ सरकारी गवाह बन चुकी हैं। यानी जैकलीन ने सुकेश से अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। और तो और स्पेशल सेल में दर्ज एक मामले में जैकलीन ने सुकेश के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान भी दर्ज करा है, यानी गवाही दी है। ऐसे में अदालत में दोनों अब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, जिसमें एक कानून के साथ है और दूसरा कानून के खिलाफ। लेकिन इसके बावजूद जो कानून के खिलाफ है वो कानून के साथ खड़ी जैकलीन को पर्सनल मैसेजेस भेज रहा है, कभी उससे प्यार का इजहार कर रहा है तो कभी उसे धमका रहा है। इस तरह सुकेश ने मानो एक बार फिर से पूरे सिस्टम का मजाक बनाकर रख दिया है।